नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी, रादर क्लोजिंग अच्छी दी। 41,008 की क्लोजिंग अच्छी आई, लेकिन यहां पे मुझे आगे थोड़ा सा हर्डल नज़र आ रहा है। कल एक्सपायरी का दिन है, वापिस आरबीआई पॉलिसी भी है, तो यहाँ पे क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको, मैं अगर बैंक निफ्टी प्योर देखता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिखेगी। आप देखेंगे यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है और ये हाई का अपवर्ड एंगल अगर हम लोग डालते हैं तो ये अपवर्ड एंगल के यहाँ पे उसने आज क्या किया, आज उसने यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल पे एक सिंगल कैंडल ऊपर ओपन किया और बाद में बहुत टाइम नीचे रहने के बाद यहाँ पे वो अपवर्ड एंगल के ऊपर एक छोटा सा बाय दे दिया। लेकिन यहाँ पे ये बाय कंसिडर नहीं किया जाता है, तो ये अपवर्ड एंगल पे कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे ये बाय हुआ ही नहीं। तो आज दिन भर बैंक निफ्टी ने एक्चुअली देखा जाएगा तो साइडवेज मोमेंटम दी। और अगर हम लोग बाकी कोई एंगल से हम लोग देख ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे अगर ये लोग ये हाई के नीचे ये हाई है, समझो ये हाई के ऊपर ये हाई है, तो ये लो का जो डाउनवर्ड एंगल है वो भी टूटा नहीं है, तो कोई भी सिग्नल ऐसे खास करके जनरेट नहीं हुआ। अगर आप छोटी छोटी मूवमेंट देखेंगे तो फिर आपको नज़र आएगी, एक ट्रेड नज़र आएंगे। यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे ऐसा कोई खास उसने ये नहीं बनाया, एन पैटर्न बनाया। एन पैटर्न में भी कोई खास सेकंड हाई ऐसा कुछ खास बना नहीं। अगर हम लोग ये देखते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर देखते हैं, तो यहाँ पे भी नीचे के साइड में ऐसा देखा जाएगा तो आज के लो का जो डाउनवर्ड एंगल है वहाँ तक भी नहीं आया, तो ओवरऑल ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैमर बनो या इन्वर्टेड हैमर बनो, उसके पहले का कैंडल का अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये इसका डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटा और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई, और उसके बाद ये नीचे की तरफ ये हाई जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लोजिंग आया, सेकेंड क्लोजिंग आया, सेकेंड क्लोजिंग के बाद उसने थर्ड कैंडल बाय किया। ओके, यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था जिसका स्टॉप लॉस ये था 41,967 और बाय सिग्नल जनरेट हुआ था 41,065, तो एक करीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। वो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस उसने हिट किया और नीचे की तरफ आके बंद हो गया। तो शायद हमको कल जो मोमेंटम मिलेगा ये पॉइंट के ऊपर हमको मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे आपको 41,121 के ऊपर, मतलब 41,120 150 का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मैंने यहाँ पे 220 का जोन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप 150 का जोन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जोन के ऊपर आपको बाय करना है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको 40,730, जैसे कि आप देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो ये लो का नीचे डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटना नहीं तो वो 730 का भाव है। जब तक वो नहीं टूटता है वहाँ पे इंट्राडे सेल सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। नीचे की तरफ 40,625 और 40,200 और 200 बेस्ट बाइंग पॉइंट रहेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। आज का निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ।
निफ्टी में रैदर एक अच्छी मोमेंटम दिखी, बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छी मोमेंटम आई और वो वन वे हुई। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट एक एंगल था, ये लो के नीचे ये लो मारा तो ये हाई का अपवर्ड एंगल, अपवर्ड एंगल उसने यहाँ पे डालने के बाद कल का जो हाई था वो अपवर्ड एंगल के ऊपर मारा और आज जो है ओपन उसके ऊपर किया। तो अगर ये अपवर्ड एंगल के ऊपर का हाई अगर आप कंसिडर करते हैं, तो मतलब ये हाई के ऊपर का अगर अपवर्ड एंगल कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड कैंडल के ऊपर ये क्लियर कट बाय हो गया और वो बाय था 40,476। इसके ऊपर ये क्लियर कट बाय हो गया और उसके बाद इसने एक करीबन 100 पॉइंट की मूवमेंट दी। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में एग्जैक्ट बाय डाला था यही पॉइंट पे और एक 40,550 17,550 का मैंने टारगेट दिया था और वो टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड कैंडल कितना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड कैंडल के ऊपर सीधा ये बाय था, सेकेंड कैंडल का भाव जो था 17,473। तो इस हिसाब से ये क्लियर कट ट्रेड था, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बाद में सेल सिग्नल जनरेट किया ही नहीं। अभी कल के लिए क्या होगा, तो कल के लिए 17,616 और 17,650 एक वेरी इंपॉर्टेंट जोन है, 17,690 और 17,760। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने बाय तो दिया हुआ है, अगर हमको नीचे की तरफ मिला तो बाय करना चाहिए। इंट्राडे में 450 के आसपास आएगा तो वहाँ पे बाय की कोशिश कीजिए, उसके नीचे थोड़ा इंट्राडे सेल सिग्नल जनरेट होगा और नीचे की तरफ 270 और 250 बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अपवर्ड एंगल के बाद अगर समझो हमने ये डाला, यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ से ये छूटा तो मुझे 17,800-900 की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये वन वे नीचे जैसे आया था वैसे ही ये वन वे ऊपर की तरफ जाएगा। और ये कल एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी के हिसाब से हमको एक अच्छी मूवमेंट मिलने की चांसेस है। दिन भर शायद भले थोड़ा नीचे की साइड में मौका मिल सकता है बाइंग का, लेकिन आफ्टर हाफ डे हम लोग ब्रेकआउट के लिए अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव सिग्नल डाल रहा हूँ। लास्ट 15 डेज से मैं 15 डेज से मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो अभी मैं कल परसों से कल से मतलब रैदर कल से मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि रेगुलर सिग्नल देते जाऊंगा और वहां पे मैं कॉल पुट एक्सपायरी के ट्रेड्स ये भी डालूंगा, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके आप एंजॉय कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।